बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़ी बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, ये आज का जो एमसीक्यू बेस्ड सेशन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टेट या सेंटर के एग्जाम हैं उसमें ये हेल्प करेगा। स्पेशली जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो कॉन्स्टेबल का पेपर है उसके लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा, जो अभी कुछ टाइम के बाद होने वाला है। साथ में अन्य जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये हेल्प करेगा। तो ये जो है साइंस का जो सेक्शन है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, और 6 की एनसीईआरटी से ये जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी कलेक्शन की है। और आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, टकटकी लगाकर वीडियो को अंत तक देखना है, और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, आपने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर जो है ये आपके मतलब स्क्रीन पर है, और स्क्रीन पर जो आंसर है ये है ए, वाष्पन। जो वाष्पन है उसमें क्या होता है कि जो समुद्र का जल होता है उस प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या होता है कि जो पानी को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद जो वाष्प होते हैं वो बनकर मतलब अलग हो जाते हैं, और साथ में जो नमक होता है नमक नीचे तली पर रह जाता है, और उस पानी को बाद में कलेक्ट करके पिया जाता है। और ये जो होता है ये फैक्ट्रियों में होता है। साथ में ये एक जो विधि है ये महंगी विधि भी है, सामान्य घरों में ये यूज़ नहीं की जा सकती है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो द्रव जैसे पानी, या जिसको हम पानी का एग्जांपल ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें अविलय पदार्थ मीन्स उसमें जो घुले पदार्थ नहीं होते हैं, तो उसे किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो जो पूरी तरह उसमें घुले नहीं होते हैं उनको हम किस विधि के द्वारा अलग करते हैं? तो उसके लिए जो विधि होती है उसको बोलते हैं निस्यादन। जैसे मान लो आपके घर में चाय बनी हुई है, और जो पत्ती होती है, अगर आपके पास पूनी नहीं है तो आप पत्ती को इस विधि के द्वारा, निस्यादन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। गूंथे हुए आटे की लोई किसकी वजह से फूल जाती है? तो कौन सी गैस इसमें होती है? तो इसका सही आंसर जो है CO2 है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मतलब क्योंकि जब आप आटे को गूंथ कर रख देते हैं तो कुछ समय के बाद आटा फूल जाता है, तो इसके पीछे राज जो होता है, राज क्या होता है आपको अच्छे से पता चल गया। पत्ती तने के साथ मूल रूप से किसकी वजह से जुड़ी होती है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, प्रणवित, मध्य शिरा, और साथ में शिरा विन्यास पट। तो यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि जो पत्ती होती है, पत्ती के कुछ एक पार्ट होते हैं जो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो क्वेश्चन पूछा है, तो उसका सही आंसर ये होगा, जो प्रणवित की वजह से क्या होती है, पत्ती तने के साथ जुड़ी होती है, पौधे के अन्य भाग के साथ जुड़ी होती है। उसके अलावा पत्तियों के कई काम होते हैं, जैसे इसमें क्लोरोफिल होता है, और पत्तियां साथ में क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण को होने में भी हेल्प करती है, और भोजन बनाती है। साथ में इन्हें पौधे की माँ कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसे रंधर कहा जाता है। साथ में जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो भी पत्तियों के माध्यम से होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, और इसके जो पार्ट होते हैं आपके सामने हैं। ये जो सबसे लंबी मतलब ये जो आपको क्या बोलते हैं, लंबी जैसी जो ये रेखा दिख रही है इसको हम मध्य शिरा बोलते हैं, सबसे लंबी होती है। और साथ में इसके अलावा ये जो छोटी छोटी मतलब आपको ये देखने को मिल रही है इनको बोलते हैं पार्श्व शिराएं। इसके अलावा जो पत्ती होती है, पत्ती पौधे का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब इसको मतलब हम काट देते हैं तो पौधे को सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कारक पौधों में पानी की कमी को दर्शाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन आप अच्छे से देख रहे हैं, और अब आपने आंसर भी कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वाष्प के बोलते हैं, सॉरी ये गलत टिक हुआ है, इसको ठीक कीजिएगा। पहले मुझे इसे रब करने दीजिए, उसके बाद क्या करते हैं मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। तो ये जो है वाष्प उत्सर्जन, इसका सही आंसर है। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है। वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से पानी का पौधे से बाहर निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जो पानी की कमी होती है पौधों के अंदर, या पानी जो बाहर निकलता है वो यही प्रक्रिया होती है।
आगे नेक्स्ट होने निम्न में से पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। निषेचन का मतलब होता है जो नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है उसका आपस में मिलना और उसके बाद कुछ नया जो युग्मक है उसका बनना। तो ये कहाँ पर होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने ऑप्शन तो दिए हैं, आपने पढ़ लिए होंगे वार्तिका, वार्तिकागर, अंडाशय और बीजांड। तो इसका सही आंसर जो है बीजांड होता है और अंडाशय होता है और अंडाशय कुछ इस तरह देखने को मिलता है। ये फीमेल का जो मतलब सेक्स ऑर्गन पार्ट है जो आपका फ्लावर होता है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, मेल के पार्ट अलग होते हैं फीमेल के अलग होते हैं। तो ये जो वर्तिका वार्तिकागर या जो ये मैंने बीजंड की बात की हुई है ये फीमेल के सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावर में। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे ये आपने क्या करना है इस इमेज को ध्यान से देखना है। ये परागकण जो है ये आपके जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं, ये मेल के सेक्स ऑर्गन होते हैं और ये फ्लावर में देखने को मिलते हैं। आगे नेक्स्ट वन जो है कंदुका संधि मानव के किस अंग में होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंदुका संधि में क्या होता है कि जो हम अपने कोई ऐसा हमारा अंग होता है, अभी मैं नाम इंडिकेट नहीं करूँगा, जिसमें क्या होता है कि हम चारों तरफ उसको घुमा सकते हैं। तो आप अब बता सकते हैं इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा आंसर होगा। तो कंधा जिसको हम शोल्डर बोलते हैं उसमें कंदुका संधि होती है, मीन जॉइंट होता है। तो कंधे को हम क्या कर सकते हैं चारों डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, मीन्स एक सर्कुलर शेप में इसको घुमा सकते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुरागर संधि का संबंध मानव के किस अंग से होता है। तो गर्दन में होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। किस वाले अंग में होती है तो ये गर्दन में देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है ये दोबारा से मतलब पीपीटी लग गई है, इसको मतलब स्किप कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वन इसको देखिए कि मानव शरीर के किस भाग को द्वितीय दिमाग की संज्ञा दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। सेरिब्रम, सेलिबेलम, मेरुदंड इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है मेरुदंड देखने को मिलेगा। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। केंचुआ गति किसकी वजह से करता है? पैर, शुक, वले, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है शुक है। शुक ये धागे नुमा संरचना होती है केंचुए में और उसकी वजह से ये चल सकता है। आगे आइए, पक्षियों को उड़ने में सहायता कौन सा अंग करता है? अग्रपाद, पश्चपाद, भारी अस्थियां, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है आपका आपने कर लिया होगा। तो कौन सा अंग है जो उन्हें मतलब उड़ने में सहायता करता है? तो ये जो अग्रपाद है ये उनको उड़ने में हेल्प करते हैं और जो पीछे वाले पांव होते हैं वो उनको चलने में हेल्प करते हैं। तो आगे जो आगे का क्वेश्चन जो है, आगे क्वेश्चन क्या है, इस सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आई होप आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा कि जो मतलब ये एमसीक्यू सेशन था ये कैसा है। रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण सेहत का रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।